साथियों नमस्कार। साथियों हरियाणा में HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकली PGT और TGT की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको दोबारा किया जाएगा, नए सिरे से उसको कराया जाएगा। इंतज़ार कर रहे 2069 युवाओं को इसमें झटका लगा है, क्योंकि इन युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी हो चुके थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को विथड्रॉल करके यानी इस पूरी भर्ती को विथड्रॉल करके नए सिरे से भर्ती की जाएगी। जिन 2069 अभ्यर्थियों को जॉब लेटर मिल चुका है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, उनको भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, इनका नई भर्ती में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। निगम में 23 नवंबर को 2075 की नियुक्ति की गई थी। 2069 अभ्यर्थियों को 2 दिसंबर को जॉब ऑफर जो है वो भेजे भी जा चुके थे, लेकिन अब उनको जो है नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि नए सिरे से ये जो भर्तियां है वो की जाएगी। जो अध्यक्ष CEO हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के KS पांडुरंग, उन्होंने ये कहा PGT TGT की भर्ती नए सिरे से होगी। अब शिक्षा विभाग दोबारा से खाली पदों का ब्यौरा देगा। इसके बाद पहले से ही शॉर्ट लिस्ट किए गए 2069 पदों में से मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। जल्दी ही इसकी जो सूचना है अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। तो दोस्तों TGT और PGT की हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्ती है वो उलझ गई है। ऐसे में 2069 युवाओं को झटका लगा है, जिनको जॉब ऑफर लेटर मिल चुके थे, अब उनको जॉइनिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि नए सिरे से ही ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।